और उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पंजाब पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है। साइबर सेल ने केस दर्ज किया था जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी हुई है, और समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए थे बग्गा, जिसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है और पुलिस मोहाली लेकर जा रही है फिलहाल बग्गा को। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी इस वक्त हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है और इससे पहले समन भी उनको भेजा गया था, हालांकि हाजिरी नहीं हुई थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई यहां पर पंजाब पुलिस द्वारा की गई है, जहां पर बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और साथ ही साइबर सेल ने इससे पहले केस भी दर्ज किया था उनके ऊपर, समन भेजा गया था, समन के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए थे, जिसके बाद अब ये सख्त रुख अपनाते हुए यहां पर पंजाब पुलिस ने बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी कर ली है। तो पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है और समन भेजा गया था, साइबर सेल ने केस भी दर्ज किया था। और प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियंका, और क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, ये जो पूरा साइबर सेल ने इनके ऊपर जो मामला दर्ज किया था, ये दरअसल कश्मीर फाइल्स के दौरान का है, जहां पर कुछ रिमार्क्स किए थे ऐसा कहा जा रहा है बग्गा ने, जिससे हेट्रेड के भी चांसेस थे और अरविंद केजरीवाल के लिए डिफेमेटरी ये रिमार्क्स थे। और ये मामला जो है साइबर सेल में साइबर सेल में ये मामला हुआ था, उसके बाद 3 बार समन किया गया। इससे पहले भी तजिंदर बग्गा ने खुद ये जानकारी दी थी कि पंजाब पुलिस उन्हें ढूंढते हुए घर आई है। आज सुबह 6:30 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50 की संख्या में पंजाब पुलिस के जो जवान थे वो सुबह सुबह उनके घर आए और वहां से उनको लेकर गए हैं मोहाली, उनको लेकर जाया जा रहा है, ये फिलहाल इंफॉर्मेशन है। और बीजेपी के तमाम नेताओं ने अरविंद केजरीवाल पर इससे इसको लेकर हमला बोल दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, ये मैं आपको एक बार इंफॉर्मेशन दूं कि ये बगावत का मामला जो है साइबर सेल ने दर्ज किया है, और अगर धाराओं की बात करें तो 153A जो कि धर्म जाति। फिलहाल आगे की कार्रवाई किस तरीके से अब होगी, क्योंकि कहा जा रहा है मोहाली अब इनको यहाँ से ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, यहाँ से मोहाली लेके जाया जाएगा, क्योंकि जो केसेस हैं वो पंजाब में ही फाइल किए गए हैं। और अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से बात करें तो दिल्ली पुलिस का अभी इस बारे में किसी तरीके की कोई जानकारी दिल्ली पुलिस को नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में देखा जाता है कि दोनों स्टेट पुलिस जो होती है वो समन्वय बना के काम करती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें अभी किसी तरीके की जानकारी इस बारे में नहीं है। पंजाब में उनको लेकर जाया जाएगा, जो अरेस्टिंग होती है 24 घंटे में, जिस तरीके से कोर्ट में पेशी होनी होती है, जो चार्जेस फाइल किए जाने होते हैं, नॉर्मल प्रोसीडिंग वही रहेगी। लेकिन सवाल ये है, जो बीजेपी इसको फिलहाल बुना रही है, कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनी हुई है, वहां पर पुलिस मिलते ही जो आम आदमी पार्टी के विरोधी हैं उन पर शिकंजा कस रही है आम आदमी पार्टी। लगातार विरोध जो है, बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है, और बीजेपी नेता तजिंदर बग्गा की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहां से साइबर सेल ने पहले केस दर्ज किया, उसके बाद अब गिरफ्तारी हो गई है और साथ साथ इनको मोहाली ले जाया जाएगा।